राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें जहां आपको लगता है कि आपका स्वार्थ सिद्ध होगा, आप उसी पाले में लुढ़कते हुए चले जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारी राजनीति में भरे पड़े हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सिर्फ जनता के लिए काम करना जानते हैं, जो सिर्फ उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनके साथ संघर्ष करने के लिए ही जाने जाते हैं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा से लेकर हनुमान बेनीवाल जैसे नेता इस फहरिस्त में शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा नेता है जो अभी भी उस संरक्षण से बहुत दूर है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करनी है, फिर चाहे से वो लड़ाका बन के करनी हो या फिर शेर की तरह अपनी जनता की रक्षा करनी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा इन दिनों, हालांकि वीडियो पुराना भी हो सकता है, नया पुराना आप समय के अनुसार वो वायरल होते रहते हैं। एक वीडियो देखा हनुमान बेनीवाल का, जिसमें वो कह रहे थे कि किसी ना किसी को तो जनता के लिए हमेशा लड़ाके की तरह लड़ना होगा, और इसीलिए ही मैंने पार्टी बनाई, और इसीलिए ही अगर सभी लोग गोदियों में जाकर बैठ जाएंगे, संरक्षण लेके बैठ जाएंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बैठ जाएंगे, तो फिर जनता की कौन सुनेगा, इसीलिए मैंने अपनी पार्टी बनाई है और मैं हमेशा जनता के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे से मुझे सपोर्ट मिले किसी का राजनीतिक या ना मिले। आपकी क्या राय है कि क्या हनुमान बेनीवाल ही सिर्फ एक ऐसे नेता बचे हैं जो जनता के लिए लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी, हम ये जानते हैं कि वो अधीनता के अंदर है उनके सारे नेता, चाहे आप वसुंधरा राजे को ले लीजिए, चाहे किरोड़ी लाल मीणा को ले लीजिए, चाहे किसी भी नेता के भाजपा को उठा लीजिए और कहकर देखिए कि ये किसी की अधीनता के अंदर नहीं है, ना आरएसएस की अधीनता है, ना मोदी शाह की अधीनता है, तो ये नहीं हो सकता। वही कांग्रेस के कोई भी नेता उठा लीजिए, चाहे सचिन पायलट उठा लीजिए या अच्छे से अच्छा कोई और दूसरा नेता उठा लीजिए, और कहकर देखिए किसी के भी अधीन नहीं है, ना सोनिया गांधी के, ना राहुल गांधी के, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब अधीनता के अंदर प्रेशर में तो आना ही पड़ता है, कैसे जनता के आप मुद्दे उठाओगे, कैसे जनता के समक्ष जाओगे, कैसे जनता की बात पुरजोर तरीके से आप लोकसभा या विधानसभा में उठाओगे और उनके काम कैसे कराओगे, ये सवाल आज भी न सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरे भारत की राजनीति में बड़ा तरीके से खड़ा हुआ है। और वहां जहां विकल्प मिलता है तो वहां बहुत कम विकल्प मिलते हैं, उनमें से हनुमान बेनीवाल एक है। हालांकि अब ऐसे विकल्प और बढ़ने लगे हैं, राजकुमार रोत या रविंद्र सिंह भाटी के उसमें, लेकिन हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से देखे भाले हैं, उन पे पूरा विश्वास किया जा सकता है। कई बार उन्होंने अपनी लोहा मनवाया है, अपनी बात बताई है, अपनी बात समझाई है कि हाँ मैं वही हूं जो जनता के मुद्दे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने सत्ता के चरम पर जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी थे उस वक्त उनका साथ छोड़ा था, और केवल इसलिए क्योंकि किसानों के मुद्दे पे वो अड़िग थे। उन्होंने कांग्रेस के साथ होते हुए भी अगर कांग्रेस ने गलत किया तो उन्हें भी आंख दिखाई, वो रुके नहीं, ये बात है। और ये बात हनुमान बेनीवाल को वाकई बड़ा बनाती है, वाकई उनका कद बड़ा करती है। हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं हटकर दिखाने में ये बात बहुत अलग है, और हनुमान बेनीवाल ने वही बात कही है। और जब भी राजस्थान के लोगों पर ये डाउट आएगा, ये संकट आएगा कि अब क्या करें, कांग्रेस और बीजेपी तो वही ढाक के तीन पात है, तो उनकी उनका पूरा का पूरा वोट हनुमान बेनीवाल को ही जाएगा। बस दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी बहुत छोटी है, बड़ी है नहीं, एक सीट से वो दूसरी सीट पर कैसे जाएं, क्योंकि उनके अलावा कोई कोई ऐसा है नहीं जो ऐसे प्रेशर में नहीं आए, लेकिन वो प्रेशर में आती चला जाता है कांग्रेस में। जिस तरीके से हम हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी संरक्षण लेने की कोशिश तो की थी एक समय बीजेपी की भी, और अभी भी कहीं ना कहीं गठबंधन में देखिए वो विलय नहीं किया उन्होंने, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया बाहरी तौर से गठबंधन में, बीजेपी से भी बाहरी तौर पर गठबंधन में ही थे, वो विलय नहीं हुए।
ना ही किसी प्रेशर में आए। देखिए, छोटी पार्टी को बड़ा करने के लिए आपको राजनीति में तो किसी न किसी के साथ बड़े गठबंधन में जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपने अपनी पार्टी को उसमें विलय नहीं किया, आप किसी के हाथों बिके नहीं। जिस तरह से उम्मीदवार राम बेनीवाल चले गए कांग्रेस में, या जिस तरीके से और लोग गए, आज अगर भाटी को, रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ले तो वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्या ये संभव है? अगर बीजेपी पूरे सम्मान के साथ टिकट देके लेगी तो वो बिल्कुल जाएंगे, वो तो पहले से ही कहते मैं बीजेपी का हूं। इसी तरह से राहुल कस्वा ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जनता के साथ कौन रहा? हनुमान बेनीवाल रहा। ये पॉइंट उन्हें डिफरेंशिएटर बनाता है, पर उसके साथ दिक्कत ये है, उनके अलावा कौन? पार्टी बड़ी कैसे करेंगे? किस पे विश्वास करें? कौन प्रेशर में नहीं आएगा? ये सारे सवाल उनके लिए आज भी बड़ा सवाल बन के खड़े होते हैं। यही मैं अभी आपसे कहना चाह रही थी कि हनुमान बेनीवाल की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट हैं, जनता के बीच में वो जाते हैं और उनके लिए काम करते हैं, वो भी जनता को भी क्लियर है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि छोटी पार्टियों को बड़े राजनीतिक संरक्षण की जरूरत पड़ती ही है, तो हनुमान बेनीवाल अपने इस कारवा को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होकर वापस उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो कैसे बढ़ेगा ये कारवा उनका? क्या वो अकेले ही हमेशा लड़ते रह जाएंगे? देखिए, हनुमान बेनीवाल ने जो फिलहाल नीति अपनाई है वो यही नीति अपनाई है कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, अपनी बीवी को ही आगे बढ़ाएंगे, और फिर जैसे जैसे वो ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाएंगे जिसपे वो आंख बंद करके भरोसा कर पाए, वैसे वैसे उनको आगे चांसेस देते रहेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिस पे भी भरोसा किया है वो उनकी पीठ में छुरा घोप के गए हैं, और उनको अंततोगत्वा ये कहना पड़ गया कि आरएलपी तो केवल एक ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ से ट्रेन करके लोग चले जाते हैं। वो संकट को कैसे उभारेंगे? ये संकट आप देखिए कोई भी नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता ही है, कोई भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही होता ही है, क्योंकि अधिकतर लोग वैल्यूज की बजाय पैसा देखते हैं, प्रेशर देखते हैं और बड़ों के साथ चले जाते हैं। वो छोटी कंपनी से लेकर छोटी पार्टी से लेकर छोटी जगहों तक का आगे का विजन नहीं देखते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो हर उस चीज के साथ होता है, केवल राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं, हर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा जो छोटा होगा। जी, तो ये तो आपने सही कहा कि हनुमान बेनीवाल के लिए अभी संघर्ष थमा नहीं है, अभी और भी ज्यादा संघर्ष करना है, आगे उन्हें बढ़ना है। तो लेकिन अकेले वो जिस सिचुएशन में है वो अकेले दिखने में आपको लगेंगे, लेकिन जनता का जितना प्यार है, जितना सपोर्ट है, हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए आप, लोगों ने उन्हें अपना देवता माना है, भगवान माना है, उनको पूजते हैं लोग, और इस तरीके से उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका ये जो कारवा सिमट कर बहुत कम जनों तक सीमित रह गया है, वो कारवा बहुत जल्द बढ़े और अपने जैसे वो कई ऐसे लड़ाका नेता राजस्थान की राजनीति के लिए प्रिपेयर करें जिससे कि जनता को दोनों पार्टियों, चाहे से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्हीं के बीच में फंसकर ना रह जाना पड़े, हमेशा से उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहे हनुमान बेनीवाल की तरह। तो ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.